बंधु, मैं दो बार में भी यहाँ आया था। इस विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के बाद हमें ऐसा लगा यहाँ देश के नवगीतकार शीर्षस्थ मूर्धन्य रचनाकार काशी के निवासी श्री कृष्ण तिवारी जी बैठे हैं। संभवतः इतनी शालीनता पूर्ण मर्यादित और अद्भुत रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने किसी गाजीपुर के विद्यालय में नहीं देखा। बीएचयू के प्रांगण में भी, एमपी थिएटर में भी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रिसर्च वर्क के समय देखे हैं, लेकिन जो मर्यादा, जो शालीनता आज दोपहर में हमको देखने को मिली, पुनः दोबारा हमको यहाँ वही शालीनता खींच लाई है। मैं दिलदार नगर में था, कमसार नामा नामक पुस्तक के लेखक का वहाँ एक सम्मान समारोह था, मैं उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित था। कुछ मुक्तक सुन लीजिए, बातें बहुत हुई, कविताएं भी बहुत हुई, और चंचल जौनपुरी की कविता के बाद जो उष्मा जो आग श्रोताओं के बीच, मंचों के कवियों के बीच में लगी है, थोड़ा उससे हमको भगवान बचाए। और मैं चाहूँगा कि उष्मा ये आग चंचल जी उन घर के बुझे हुए चूल्हों के लिए भी थोड़ा सुरक्षित रखें, भूखे पेट बच्चों के लिए थोड़ा सुरक्षित रखें, ताकि ये ज्वाला आग वहां तक जा करके उनके चूल्हों में रोटी सेकने का काम करा सके। आइए कविता मुक्तक सुन लीजिए कुछ। एक मुक्तक आप सारे लोगों के लिए, संभवतः 12 बज रहा होगा, और आपका भी धैर्य, आपकी भी सहनशीलता जो है प्रशंसनीय है। कि पानी में मधुर आग लगाई है आपने, ये कैसी करामात दिखाई है आपने। दुनिया का हर नशा अब मैं छोड़ चुका हूँ, दुनिया का हर नशा अब मैं छोड़ चुका हूँ, ऐसी नई शराब पिलाई है आपने, ऐसी नई शराब पिलाई है आपने। बहुत अच्छा। कि आज की रात पूजा सी पावन लगे, दूर का ढोल जैसे सुहावन लगे, बादलों में हंसी चा जिसे तर बतर, बादलों में हंसी चा जिसे तर बतर, भींगा भींगा नयन तेरा सावन लगे, भींगा भींगा नयन तेरा सावन लगे। देखिए एक मुक्तक और, देश के मूर्धन्य विद्वान के सामने एक नया प्रयोग करते हुए हम एक मुक्तक आपके सामने रख रहे हैं तिवारी जी। हाँ। कि रात लंबी कटे ना तुम्हारे बिना, रात लंबी कटे ना तुम्हारे बिना, अदर्द कुछ भी घटे ना तुम्हारे बिना, उम्र में हमने सूरज खरीद कई, उम्र में हमने सूरज खरीद कई, पर अंधेरा छटे ना तुम्हारे बिना, पर अंधेरा छटे ना तुम्हारे बिना। और एक मुक्तक सुन लीजिए, क्षमा चाहते हुए किसी को ठेस न लगे श्रोताओं के बीच कोई ऐसा हो तो, हमारा देश कैसा है इसकी स्थितियों के बारे में आप सुन चुके हैं कई कवियों के द्वारा। हम आप किसी को कभी नायक, महानायक, राष्ट्रनायक बना देते हैं,
नायक महानायक राष्ट्र नायक धीरोदात नायक की परिभाषा यदि पूछनी हो और पूछ करके किसी को संबोधन देना हो विशेषण देना हो तो श्रीकृष्ण तिवारी से पूछिए, एक मिनट तक सुनिए देखिए और कल्याण जी का केवल नाम अपने मस्तिष्क में रखिए। जिंदगी में अंधेरी घनी आज है, जिंदगी में अंधेरी घनी आज है, दर्द यो कांट में यह सनी आज है, जिनकी नजरों से परेशान किए फूल है, जिनकी नजरों से परेशान किए फूल है, आंख बंद करके बरछी तनी आज है, आंख बंद करके बरछी।